आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। मधुपुर ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस का 3 वर्षीय बैठक मधुपुर रेलवे मेंस कांग्रेस के कार्यकाल में किया गया, जिसमें मधुपुर ब्रांच के पदाधिकारी संगठन का अगले 3 वर्ष के लिए चुनाव किया गया। इस चुनाव को सुगमता पूर्वक संपन्न कराने हेतु संगठन के केंद्रीय कमेटी के संयुक्त महासचिव सुनील दत्ता, सहायक सचिव दशरथ ठाकुर, आसनसोल ब्रांच के सचिव पी के सिंह खास तौर पर उपस्थित रहे। इन सभी के उपस्थिति में चुनाव सामाजिक दूरी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। मौके पर इस सभा की अध्यक्षता करते हुए मुख्य अतिथि सुनील दत्ता ने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार कर्मचारियों के विरोध में कई फैसले ले रही है, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। इस सरकार में रेलवे कर्मचारियों की हालत त्राही त्राही के जैसे हो गई है। केंद्र सरकार हम पेंशनधारियों की मिलने वाली डीए को खत्म कर दिया है, जबकि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार रेलवे के निजीकरण व निगमीकरण कर रही है, इससे रेल कर्मचारियों की परेशानी बढ़ेगी और रेल कर्मचारियों को गुलामी की तरह महसूस करना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी रेल कर्मचारी सरकार के फैसले का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन छेड़ने की जरूरत है, इसके लिए हम रेल कर्मचारियों को मजबूती के साथ कमर कसने होगी। सरकार के इस काले कानून से सभी को परेशानी होगी और आने वाले नस्ल की रोजगार घट जाएगी। नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार होकर जीवन यापन करेंगे, इसीलिए हम तमाम कर्मचारी सरकार के इस काले कानून का घोर विरोध करते हैं। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। बताइए ना, आज का प्रोग्राम है त्रिवार्षिक सभा इलेक्शन मधुपुर शाखा का। हर 3 साल में हर शाखा का त्रिवार्षिक सभा और सभा के बाद इलेक्शन होता है, उसी का ऑब्जर्वर का रूप से मैं आया हूँ इस ब्रांच का। अभी का जो परिस्थिति है COVID-19, उसीलिए मैं इसका चुनाव कर रहा। मेरा जो ब्रांच काउंसिलर है, उस काउंसिलर हमारा डेलीगेट हुआ, उसको माध्यम से हम इलेक्शन करके मैं ऑफिस बैरर को हम बस इलेक्ट करेंगे। मेंस कांग्रेस का ये इलेक्शन कब होगी? आज ही तो इलेक्शन, आज ही इलेक्शन, यही तो इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन अच्छा, ब्रांच काउंसिलर को हो गया। अच्छा, इस बार हमारा ऑफिस बैरर का होगा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वर्किंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इसका जो होगा। अभी देखिए, हम पढ़ रहा उसका लिस्ट। ठीक,